आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मैं लखीमपुर में ही जन्मा और पला बड़ा था। 12वीं के बाद ही बीटेक करने के लिए बेंगलोर चला गया और उसके बाद कुछ साल नौकरी करके अमेरिका। अभी 2 साल पहले ही अमेरिका से वापस भारत आया हूँ। पैसा काफ़ी जमा हो गया है। अब सोच रहा हूँ कुछ बिजनेस शुरू करूँ। नौकरी से अब उकता गया हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। बस में बैठे आकाश के साथी पैसेंजर ने कहा। वो आकाश के पिता की उम्र के थे और उनके चेहरे पर जिंदगी भर का तजुर्बा खासा झलक रहा था। आकाश को हमेशा ही अच्छा लगता था अपने से बड़े बुजुर्ग लोगों के साथ सलाह मशवरा करना। जब तक उसके पिताजी जिंदा थे, ऐसा कोई जिंदगी का फैसला ना रहा जो उसने उनकी सलाह मशवरा के बगैर लिया हो। 4 साल पहले उनके परलोक चले जाने के बाद उसे उनकी कमी हर पल झलकती थी। जब लखनऊ से वो अपने ननिहाल के लिए बस में बैठा तो इत्तेफाकन ये बुजुर्ग उनके बगल में ही बैठ गए और फिर उनकी बातचीत शुरू हो गई। तो लखीमपुर में अभी कौन कौन है, उन्होंने दिलचस्पी के साथ पूछा। अभी तो सिर्फ चाचा है, उनके बच्चे तो सब बाहर हैं। मैं भी वैसे लखनऊ ही रहता हूँ। मेरी वाइफ और बच्चे फिलहाल लखनऊ में मेरी मम्मी के साथ हैं। अच्छा, तो लखीमपुर चाचा से मिलने जा रहे हो? फिर पूरे परिवार के साथ क्यों नहीं आए? नहीं अंकल, दरअसल चाचा तो खुद ही लखनऊ अभी कुछ दिन पहले आकर गए। मैं उनसे मिलने नहीं बल्कि अपने बचपन के दोस्त अभिषेक से मिलने जा रहा हूँ। ओह अच्छा, वो क्या करता है? अभिषेक कभी लखीमपुर से बाहर नहीं निकला, उसे वहीं रहना पसंद है। उसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी ट्रेजडी हुई। शादी के कुछ समय बाद ही उसकी बीवी भी गुजर गई। इन सब के लिए वो खुद को दोष देता है, कहता है कि वो ही बुरा नसीब लेकर पैदा हुआ है। मगर ऐसा थोड़ी ना कुछ होता है अंकल। तो इस पर उन अंकल ने कहा, हाँ ऐसा थोड़ी कुछ होता है, ये तो भगवान का किया धरा है, अब क्या कहें। फिर आकाश ने कहा, अभी जब उसने सुना कि मैं इंडिया वापस आ गया हूँ तो मुझे एक दिन कॉल किया उसने। फिर वैसे भी अभी मैं खाली बैठा था तो सोचा कि उससे मिलकर ही आता हूँ। बहुत बढ़िया, अपने दोस्तों से मिलो और उसे समझाओ कि फिर से ज़िंदगी बसा ले, अकेले काटना बेहद ही मुश्किल काम है। आकाश ने सहमति से सिर हिलाया, कोशिश करूँगा। वो लखनऊ से लखीमपुर 2.5 घंटे में पहुँच गए। बस स्टॉप पर उतरने के बाद आकाश ने अपने साथी पैसेंजर से विदा ली और फिर एक रिक्शा पकड़ लिया। राजगढ़ चलना भाई। इतने साल अमेरिका में रहने के बाद उसे एक अलग ही रोमांच आ रहा था अपनी जन्मभूमि या फिर अपने घर वापस आने पर। रिक्शा चालक पैंडल मार रहा था और आकाश जिज्ञासा के साथ वही पुराने रास्ते, चौराहे, दुकानें, यही सब देख रहा था। बहुत कुछ बदल चुका था और बहुत कुछ अभी तक वैसा का वैसा ही था जैसा वो छोड़ कर गया था। बस स्टॉप से अभिषेक के घर पहुंचने में उसे सिर्फ 15 मिनट लगे। बड़े शहरों से छोटे शहरों में आने के बाद सबसे ज़्यादा अचरज यही होता है कि जो दूरियां बचपन में ज़्यादा लगती थी वो अब ऐसा लगता है कि जैसे कुछ भी नहीं है। अभिषेक का घर 3 मंजिला था जो कि उसकी कॉलोनी राजगढ़ का आखिरी गली के अंदर जाकर एकदम कोने पर था। घर के चारों ओर अच्छा खासा खुला खुला जगह भी था जहां पर गार्डन आदि बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया हुआ था। कई बड़े बड़े पेड़ थे। आकाश को आम के पेड़ नजर आए मगर वो सारे पेड़ जैसे सूख चुके थे। घर भी थोड़ा अजीब सा लग रहा था, जैसे कि बहुत दिनों से घर की साफ सफाई नहीं हुई हो। खैर, आकाश घर के नज़दीक गया। उसने दरवाज़ा खटखटाया तो अभिषेक ने दरवाज़ा खोला।
अभी खड़ा ही रहेगा या आगे भी आएगा? कोई तमीज़ कमीज बची है कि नहीं? आकाश उससे कुछ फासला छोड़कर रुकते हुए बोला। अभिषेक हंसता हुआ सीढ़ियां उतरा और उसकी तरफ बढ़ा, फिर आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। अरे कितना फूल गया यार तू, आकाश बोला। उसे अपने इर्द गिर्द अभिषेक का चर्बी से भरा शरीर महसूस हो रहा था। सब गांव का आबो हवा खान पान का असर है, तुम अमेरिका वालों को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। अभिषेक मुस्कुराते हुए ऊपर से नीचे तक उसे देखते हुए बोला। चल भाई अब आ गया हूँ, देखते हैं तुम्हारे गांव की आबो हवा मुझ पर क्या असर करती है, आकाश ने बोला तो अभिषेक हंसा। जिसके बाद उन दोनों के बाद थोड़ी इसी तरह की बातचीत होने लगी, जिसके बाद आकाश ने अभिषेक से कहा, अच्छा तू रुक, मुझे एक काम करने आना है, ठीक है मैं अभी तुरंत ही आता हूँ। जिसके बाद आकाश घर से निकलकर वापस से बाजार की तरफ चला गया। दरअसल आकाश अभिषेक के घर काफ़ी सालों के बाद आया था और वो इस तरह से खाली हाथ नहीं आना चाहता था, मगर उसे याद ही नहीं रहा, इसलिए वो बाजार मिठाइयाँ खरीदने गया था। उसे पास ही में राजीव चाचा की दुकान दिखी। वो राजीव चाचा को बहुत अच्छे से जानता था। राजीव चाचा अभिषेक और आकाश को बचपन से जानते थे। वो वहाँ पर मिठाइयाँ खरीदने गया। राजीव चाचा को उसे पहचानने में थोड़ी दिक्कत ज़रूर हुई, मगर फिर उनके कहने पर वो उसे पहचान गए। राजीव चाचा ने आकाश को कहा, बहुत अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए, अभिषेक के बारे में सुनकर बड़ा बुरा लगा। तो इस पर आकाश ने हैरान होते हुए राजीव चाचा से पूछा, अभिषेक के बारे में क्या? तो इस पर राजीव चाचा ने कहा, तुम्हें बताया नहीं किसी ने, अभिषेक ने अभी 2 महीने पहले ही खुदकुशी कर ली। ये सुनकर तो आकाश के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसे कुछ होश ही नहीं रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब अभिषेक 2 महीने पहले ही मर चुका है तो फिर वो कौन था जिसे अभी आकाश मिलकर आया था। तो दोस्तों ये थी आज की पहली कहानी, तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। रात के अंधेरे में मैकू अपनी कार को दौड़ाए जा रहा था। मैकू को खुद कार चलाना और दूर दूर की यात्राएं करना बहुत ही पसंद था। मैकू की बगल वाली सीट पर उसका दोस्त रमेश बैठा था। वो दोनों मुंबई से मेहर भगवती के दर्शन के लिए जा रहे थे। मैकू के माता पिता ने लाख समझाया था कि बेटा इतनी लंबी दूरी तुम लोग ट्रेन से सफर करो, पर मैकू नहीं माना और अपने दोस्त के साथ कार से ही हो लिया। रात के करीब 2 बजे होंगे, कार सड़क पर भागी जा रही थी। रह रहकर इक्का दुक्का ट्रक आदि भी गुजर जाते थे। अचानक कार में कुछ गड़बड़ी मालूम हुई और मैकू ने सड़क किनारे कार रोक दी। मैकू कार से नीचे उतरकर बोनट खोलकर और जांच पड़ताल करने लगा। उसका दोस्त रमेश कार में ही बैठा था। काफी कुछ इधर उधर करने के बाद मैकू ने रमेश से कार को चालू करने के लिए कहा, पर ये क्या, रमेश तो बार बार चाबियां घुमा रहा था पर अब कार स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। इतनी रात को वो दोनों क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अचानक रमेश के दिमाग में एक ख्याल आया और वो सड़क पर खड़े होकर इक्का दुक्का आने जाने वाली गाड़ियों को रोकने के लिए हाथ से इशारा करने लगा, पर कोई भी गाड़ी रुकने को तैयार नहीं थी। ऐसा भी हो सकता है कि रात का समय और सुनसान इलाका होने के कारण कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि हाईवे पर रात को ऐसे लूटपाट बहुत ज्यादा होते हैं। अचानक उन्हें एक कार उनके पास आकर रुकती हुई दिखाई दी। बाबा आदम के समय की कार लग रही थी, या यूं कहें जैसे किसी राजा महाराजा की कार हो। कार के रुकते ही मैकू भागकर उस कार के पास गया।
उस कार में ड्राइवर के अलावा 3 लोग और बैठे थे। इन 3 में एक महिला, एक बच्ची थी। मैकू ने कार में बैठे लोगों से कहना शुरू किया, मेरी कार खराब हो गई है, कहीं अगर आसपास कोई बस्ती हो या कोई गैरेज हो तो वहां तक उसे पहुंचा दिया जाए। उसकी बात को सुनते ही उस कार का ड्राइवर नीचे उतरा और अपनी कार की डिक्की में से एक पतला वायर निकाला। मैकू कुछ समझ पाता तब तक वो ड्राइवर अपनी कार से मैकू की कार को बांध दिया। कार को बांधने के बाद उस ड्राइवर ने इशारे से मैकू को अपनी स्टेयरिंग सीट पर बैठने का इशारा किया। मैकू के स्टेयरिंग पर बैठते ही रमेश भी मैकू के बगल वाली सीट पर बैठ गया। अब उनकी कार को खींचते हुए वो पुरानी कार एक कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ने लगी। मैकू और रमेश निश्चिंत लग रहे थे, उन्हें किसी भी तरह का डर नहीं लग रहा था क्योंकि इस पुरानी कार के यात्री समृद्ध घराने के लग रहे थे। लगभग 15 से 20 मिनट के बाद उनकी कार एक पुरानी हवेली के सामने खड़ी थी। मैकू और कार एक पुरानी हवेली के सामने। मैकू और रमेश अपनी कार से उतर चुके थे। दूसरे कार से उनका ड्राइवर निकला और रोबदार आवाज में बोला, आप लोग अंदर चले जाएं, अभी मैकेनिक बुलाकर आपके कार को ठीक करा दिया जाएगा, उसके बाद आप लोग अपने रास्ते। मैकू और रमेश कुछ कहे बिना उस ड्राइवर के साथ उस पुरानी हवेली में प्रवेश कर गए। हवेली बहुत ही बड़ी थी और बहुत ही पुरानी लग रही थी। और एक बात मैकू और रमेश को चौंकाने वाली लगी कि इतने समृद्ध लोगों के रहते हुए भी हवेली इतनी गंदी क्यों लग रही है। जगह जगह पर जाले लटके हुए थे, अजीब तरह की बू भी आ रही थी। मैकू और रमेश कसकर एक दूसरे का हाथ पकड़े उस बूढ़े ड्राइवर के पीछे पीछे हवेली के अंदर बढ़ते जा रहे थे। अचानक हाथ में चिराग लिए एक अधेड़ महिला आई जो कि थोड़ी डरावनी लग रही थी। उसने इशारों ही इशारों में उस ड्राइवर से कुछ कहा। वो ड्राइवर मैकू और रमेश को उस अधेड़ महिला के पीछे जाने का इशारा करते हुए खुद दूसरी तरफ चला गया। वो अधेड़ महिला उन दोनों को लेकर एक बड़े से कमरे में दाखिल हुई। ये कमरा काफी अच्छा था, पर चौंकाने वाली बात तो ये लग रही थी कि इस पुरानी गंदी हवेली में इतना सुंदर और साफ सुथरा कमरा कैसे हो सकता है। वो प्रकाश कहाँ से आ रहा था कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था। मैकू और रमेश उस कमरे में लगी आलीशान कुर्सियों पर बैठ गए। उनकी हाव भाव शुरू हो गए थे, पर अब उन दोनों को बहुत सारी बातें अजीब लग रही थी। अब उस बड़े कमरे में कम से कम 12-15 लोग जमा हो गए थे। कहीं स्वादिष्ट भोजन की खुशबू थी तो कहीं पैगों का दौर शुरू हो गया था। मैकू तो आए दिन दूर दूर की यात्राएं करता था, रात बिरात वो कहीं भी चला जाता था। उसे भूत प्रेत पर विश्वास तो था, पर वो एकदम निडर स्वभाव का था। वो अपने आप को शेरावाली का बहुत बड़ा भक्त मानता था और साल में कम से कम एक दो बार माँ के दर्शन करने जरूर जाता था। उसके गले में माँ की माला हमेशा लटकी रहती थी और साथ ही उसके शर्ट के ऊपरी जेब में एक छोटा सा दुर्गा चालीसा। उसे जब भी थोड़ा समय मिलता इस चालीसा को निकाल कर पढ़ लिया करता था। पर आज निडर मैकू को लगने लगा कि वो और उसका दोस्त किसी मुसीबत में फंसने वाले हैं। उसके आसपास के लोगों का व्यवहार कभी कभी अजीब चौंकाने वाला होता। मैकू फिर भी नहीं डरा और हिम्मत से काम लिया। उसने अपने दोस्त को उठने का इशारा किया और पास में लगे एक सोफे पर बैठने का इशारा किया और इशारे में ये भी कहा कि मेरा हाथ कसकर पकड़े रहना, डरना बिल्कुल भी नहीं। अब मैकू और रमेश जिस सोफे पर बैठे थे वहां पास ही में एक आलीशान शीशा लगा था। मैकू तिरछी आंखों से रह रहकर उस शीशे में देख ले रहा था। रमेश को अजीब लगा कि मैकू उन कुर्सियों पर से उठकर इस सोफे पर क्यों बैठा। शायद मैकू
रमेश के जहन में उठने वाली बात को समझ लिया था। उसने उसे शीशे में देखने का इशारा किया। ये क्या, जैसे ही रमेश ने शीशे में देखा उसकी तो सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। डर से उसका चेहरा पीला पड़ गया। दरअसल उस हॉल में चलते फिरते अच्छे लोग उस शीशे में बहुत ही भयानक लग रहे थे। इतने भयानक कि रमेश का कलेजा उसको मुंह को आ गया। वो पसीने से पूरी तरह से भींग गया। शीशे में उसने ये भी देखा कि ये लोग जो पानी या मदिरा पी रहे हैं वो खून जैसा लग रहा है। ये लोग जो खा रहे हैं वो किसी मांस या हड्डियां लग रही है। वो अब पूरी तरह से परेशान था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब उन दोनों का बचना मुश्किल है। अभी वो आपस में कुछ बातें कर पाते हैं, तभी एक बूढ़ा बड़ी बड़ी मूछों वाला उनके पास आ पहुंचा। वो लोई ओढ़े हुए था और उसके पीछे पीछे दो तीन सेवक टाइप के लोग थे। वो बूढ़ा मुस्कुराते हुए मैकू से बोला, आज मेरी पोती का जन्मदिन है। अच्छा हुआ आप लोग भी आ गए। हमारी पोती का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाएगा और इसमें शामिल होने वाले सभी लोगों को राजसी कपड़े पहनने होंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि पास के कमरे में जाकर अपने पहनावे बदल लें। ये बात कहते हुए वो बूढ़ा बार बार मैकू के गले में लटकती हुई माला को देख रहा था। उस माला की तरफ जब भी उसकी नजर जाती तो वो थोड़ा सा भयभीत लगने लगता। तभी अचानक एक खूबसूरत बच्ची वहां आ गई और उस बूढ़े की ओर देखकर बोली, दादाजी आप मेरे जन्मदिन पर मुझे क्या उपहार देने वाले हैं? वो बूढ़ा हंसा और मैकू और रमेश की तरफ देखते हुए बोला, कुछ ऐसा जिसे तुम हमेशा याद रखोगी। इतना कहकर बूढ़े ने जोर से अठास किया। ऐसा लगा कि उसकी अठास में पूरी हवेली अठास करने लगी। अब माहौल और भी डरावना होता जा रहा था। खैर मैकू ने अपना विवेक नहीं खोया और रमेश का हाथ पकड़कर पहनावा बदलने के लिए पास के बताए कमरे की तेजी में चला गया। कमरे में पहुंचकर जब रमेश डर के मारे अपने कपड़े उतारने लगा तो मैकू ने उसे रोका और कहा, बेवकूफी मत कर, अपने कपड़े को पहन कर रख। और साथ ही अपने जेब से दुर्गा चालीसा निकाल कर रमेश की जेब में रख दिया और कहा, डर मत, देखा नहीं मेरे गले की माला को देखकर वो बूढ़ा कैसे डर रहा था। अब उन दोनों ने वहां रखे राजसी कपड़ों को अपने पहने हुए कपड़ों के ऊपर ही पहन लिया। कपड़े पहनने के बाद मैकू ने रमेश का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, डरना मत, हम लोगों के साथ माँ है और उनके रहते ये भूत प्रेत हम दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसके बाद वो दोनों कमरे से निकलकर फिर से उस बड़े हॉल में आकर उसी सोफे पर बैठ गए। देखते ही देखते पार्टी शुरू हो गई। उस बूढ़े की पोती किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी, पर उसी को शीशे में देखने पर वो बहुत ही बदसूरत और डरावनी लग रही थी। उस बच्ची ने खुशी मन से मैकू के पास आई और उसके कंधे पर हाथ रख दी। पर ये क्या, कंधे पर हाथ रखते ही ऐसा लगा कि जैसे उस बच्ची को 440 वोल्ट का करंट लगा। अभी कोई कुछ समझ पाता तब तक वो बहुत दूर जाकर गिर गई। अब तो वहां हड़कंप मच गया। मैं कुछ सब समझ रहा था। उसे लगा कि ये जरूर उसके गले में माले के कारण हुआ है। उस बच्ची के दूर गिरते ही कई भूत प्रेत उसे उठाने में लग गए। जबकि वो बूढ़ा दौड़कर मैकू के पास आया और थोड़ा तेज आवाज में पर डरते हुए बोला, मैंने आपसे कहा था कि आप अपने कपड़े उतार कर हमारे यहाँ कपड़े पहने और आपने नहीं माना। आपके गले में जो माला है उसे भी उतार कर रख दीजिए, यही हमारे यहाँ की प्रथा है। मैकू ने ना में सिर हिलाते हुए कहा कि वो किसी भी हालत में इस माला को नहीं उतारेगा। और इतना कहते ही वो रमेश का हाथ और कसके पकड़ते हुए खड़ा हो गया। अब तो उस कमरे का हाल पूरी तरह से भयावह हो गया था। जो लोग सीधे साधे लग रहे थे अब वो बहुत ही भयानक हो गए थे। कुछ के तो दांत भी बाहर आए हुए थे।
और कुछ अजीब हरकतें करते हुए मैको और रमेश को डराने की कोशिश कर रहे थे, पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि इन दोनों के पास आए। रमेश से कहा कि लगभग सुबह होने वाली है और सुबह होते ही ये भूतिया माया दूर हो जाएगी, इसलिए हमें कुछ समय और निडरता के साथ इनका सामना करना है। इसके बाद वो दोनों फिर से वहीं सोफे पर बैठकर आंख बंद करके माँ भगवती को याद करने लगे। उनके अगल बगल में बहुत सारी आवाजें चीख पुकार आ रहे थे, पर वो इन सब से बेखबर होकर बस माँ का नाम लिए जा रहे थे। कुछ समय के बाद अचानक आवाजें आनी बंद हो गई। मैको और रमेश ने अब अपनी आंखें खोल दी। अब वहां इन दोनों के अलावा और कोई नहीं था, हवेली भी तो नहीं थी। तो क्या ये दोनों सपना देख रहे थे? खैर, वो दोनों उठे और वहां से चलने को तैयार हुए। सुबह होने वाली थी और सूरज की आभा उस जंगल में धीरे धीरे फैलना शुरू हो गई थी। अचानक मैको कार के पास गया और दरवाजा खोलकर बैठ गया। उसने कार को स्टार्ट की तो वो बिना देर किए चालू हो गई। अब उसके बगल में रमेश भी बैठ चुका था। वो जंगल से बाहर निकलकर उस कच्चे रास्ते पर हो लिए और फिर अपने घर। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।